हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों अपमानित करने का काम किया गया है। कुशल को निकालने की बात की। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर जब से विवादित बयान दिया है तब से हर जगह हंगामा मचा हुआ है। उन्नाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जहां हिंदू जागरण मंच ने बुद्धि शुद्धिकरण का यज्ञ कराया, वहीं अब इस मामले में BJP विधायक अनिल सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लिया है। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम में स्वामी जरूर है पर उनकी सोच निम्न स्तर की है। बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का बयान है। ऐसा नाम तो स्वामी है, काम अब कौन सी भाषा में उनसे बात करूं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जो कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस ग्रंथ को ये नकार रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी घटिया सोच होगी। आपको बता दें कि सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए उसकी कुछ चौपाइयां हटाने की मांग की थी। स्वामी प्रसाद की इस मांग के बाद उनके खिलाफ हर तरफ स्वर बुलंद हो गए। यहां तक कि सपा के नेता भी स्वामी प्रसाद के बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं उन्नाव में स्वामी प्रसाद के बयान पर लोगों में काफी गुस्सा है। उन्नाव में नगर के बड़े हनुमान मंदिर में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय एवं प्रभारी मंत्री विमल द्विवेदी ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन कराया। वहीं अब इस मामले में पूर्वा विधानसभा से BJP विधायक अनिल सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बेतुका बताया। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का है। वहीं इस दौरान विधायक अनिल सिंह ने ये भी कहा कि मैं अपील करता हूं कि पूरे हिंदू समाज को इन जैसे नेताओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। बोलना चाहिए कि इनको ऐसी भाषा, मुझे लगता है कि मैं अपील करता हूं विधायक होने के नाते कि पूरे हिंदू समाज में एक भी इनको वोट नहीं देनी चाहिए, एक भी वोट इनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को इनको आईना दिखाना चाहिए लोगों को कि ऐसे लोग राजनीति में ना आ सके, ना किसी पद पर पहुंच सके जो जहर उगलने का काम करते हैं। हम कुरान पे प्रश्न उठाएं, हम रामचरितमानस पे प्रश्न उठाएं, हम किसी आस्था पे प्रश्न उठाएं, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी ठीक नहीं है। मैं अपील करूंगा हमारे SSC योगी जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम करें, ताकि किसी के भी धर्म को आहत करने का काम कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी में हो ना कर सके। तो क्या वो दुस्साहस ना कर सके तो क्या वो सनातनी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग सनातनी कैसे हो सकते हैं जो रामचरित हर घर में पढ़ी जाती है, सुंदर पाठ किया। आप भी आप देखिए जाके गाँव में लोगों के यहाँ रामायण कही जाती है, लोगों के यहाँ सुंदर पाठ होते हैं, लोग इस पे आस्था रखते हैं, अपना फ्यूचर अब देखने के लिए भी एक आस्था जुड़ी है। यार क्या है तमाशा ये? इतना भी अभिव्यक्ति की आजादी ठीक नहीं है कि हिंदुस्तान में रहकर इस तरीके की भाषा किसी धर्म के लिए बोलना, कोई भी पार्टी हो। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, हम लोग हम तो नहीं बोलते कुछ भी, या हमारे बहुत सारे ऐसे समझदार नेता हैं, ये फालतू की बातें नहीं करते हैं। विकास की बातें करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बातें करनी चाहिए, लोगों के उत्थान की बातें करनी चाहिए, सेवा की बातें करनी चाहिए। ये क्या बकवास TRP लेने के लिए उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलते। ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, जैसा ये भाषा बोलते हैं लोग। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हर तरफ विरोध हो रहा है, लेकिन लगता है कि उन्हें विवादित बयान देने में मजा आता है। लिहाजा रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद अब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को दिमाग से दिवालिया करार दिया है। वहीं इसके अलावा वे पुजारियों और महंतों पर भी हमलावर हैं। उनका ताजा बयान सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर आया है। नेताजी को पद्म विभूषण देने का ऐलान हुआ तो सपा नेता ने चौंकाने वाला बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेताजी को पद्म विभूषण दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया है।